सांपों का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक डर का भय का नजरिया दिखाई देता है। देखा गया है कि ज़्यादातर साधारण प्रजाति के सांप ही दिखाई दिए हैं, मगर अकोला के अंदर राजेश्वर मंदिर के पास एक अद्भुत प्रजाति का सांप दिखाई दिया है, जिसे घोर सांप कहते हैं। इसके डसते ही इंसान के जिस्म का फौरन रंग बदलने लगता है और इसका जहर डायरेक्ट किडनी पर असर करके इंसान को मौत के करीब जल ही पहुंचा देता है। ज़्यादातर यह सांप पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, मगर अकोला महाराष्ट्र में यह पहली बार नज़र आया है। 29 नवंबर को रात ठीक 12:30 बजे अड़गाव बुद्रुक रहवासी पत्रकार तथा समाज सेवक समीर अहमद शेख और उनकी टीम वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद अकोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सीडेंट पेशेंट एडमिट करके जूना शहर में वापस आ रहे थे। राजेश्वर मंदिर के आगे महिला शौचालय के पास से निकलकर हरियरपेट की बस्ती में घोर प्रजाति का सांप प्रवेश कर रहा था। जैसे ही समाज सेवक समीर अहमद शेख और उनकी टीम वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद की उस पर नज़र पड़ी कि लोगों का झुंड जमा हुआ है, उनकी टीम ने बहादुरी बताते हुए सांप को 1 घंटे के अंदर पकड़कर अकोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी गीते साहब के हवाले किया। हरियरपेट और जूना शहर के वासियों ने समीर अहमद शेख और उनकी टीम वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद का बहुत ही आभार व्यक्त किया, क्योंकि सांप पकड़ने की वजह से कई लोगों की जानें बच गई है और लोगों के दिल से उसका डर खत्म हो गया है। 29/11/2019 समीर शेख समीर व त्यांची पूर्ण टीम वीर भगत सिंह टीम यांनी आज सकाळी म्हणूनच हा साप त्यांच्या कॉलनीमध्ये पकडलेला होता, तो आणून दिला। आणून दिल्याच्यानंतर आता आपण त्याला रेस्क्यू टीम आमची त्याच्यात बाळक काहणे साहेब, त्याच्यानंतर आमचे शरद साहेब, त्याच्यानंतर सुभाष काठे लोखंडे साहेब, अनिल चौधरी, ते सगळे आता मिळून तिथं जंगलामध्ये नेऊन सोडणार आहे। इस काम में विशेष उपस्थित पत्रकार तथा समाज सेवक समीर अहमद शेख, उनके टीम वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद के मेंबर शोएब अंसारी, शेख फरहान, गब्बर पहलवान, कामरान शाबाद, साजिद अहमद, उमेर खान, शेख फैजान, शेख इरफान तथा इनकलाब सेवा समिति के अध्यक्ष एजाज बावा उपस्थित थे। जिगोल किशोर जयसवाल, तस्नीम शेख, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज़, धारणी।